हेलो गाइस वेलकम टू अन अकेडमी यूपी मैं खुशबू चतुर्वेदी एक बार फिर से हूँ आपकी आज की करंट अफेयर्स लेकर के यानी कि 12 जून 2020 की करंट अफेयर्स लेकर के एंड जैसा कि मैं बार बार आपसे बोलती हूँ कि पूरे वीक में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं उनमें से कुछ हाइलाइटेड चर्चाएं जो आपकी एग्जामिनेशन के परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ में डिस्कस करती हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है कि आज मैं बारह जून की कर रही हूँ तो आपको ग्यारह जून का ही कंटेंट मैं दूंगी या बारह जून की कर रही हूँ तो मैं बारह जून का ही कंटेंट आपको दूँगी इट डिपेंड अपॉन कि हमने कितनी कौन कौन सी जो आपकी न्यूज है उनको कवर किया है स्टार्ट so करते हैं एंड एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इस पूरे पूरे के वीडियो का आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इसी वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक है जाकर के सो स्टार्ट करते हैं आपका पहला प्रश्न है इसमें आपसे बोल रहे हैं कि मुंबई के लिए एकीकृत एक बाढ़ चेतावनी प्रणाली जिसका नाम आई फ्लोज मुंबई है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा विकसित की गई है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा भारत मौसम विज्ञान मंत्रालय के द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा देखिए भाई ये जो है ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है मुझे भी नहीं पता होता अगर मैं इसको पढ़ती नहीं आपको भी नहीं पता होगा अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे तो आप इसको डिटेल में भी देख लीजिए कि बाढ़ की आशंका वाले शहर में निवारक उपायों की सहायता ग्रेटर मुंबई नगर निगम महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के लिए एकीकृत एक बाढ़ प्रणाली जिसे मुंबई कहा गया है उपलब्ध विभागीय दक्षता के बल पर जुलाई 2019 में आईफ्लोज मुंबई का विकास प्रारंभ किया था आईफ्लोज मुंबई को मुंबई शहर के लिए अत्याधुनिक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली के रूप में विकसित किया गया है जिसमें शहर की प्रतिरोधक क्षमता में सुधार के लिए विशेष रूप से अत्यधिक वर्षा की घटनाओं और चक्रवातों के दौरान मुंबई के लिए प्रारंभिक चेतावनी का प्रावधान किया गया है तो ऑब्वियसली अभी आपका मॉनसून भी आ जाएगा और सारी प्रॉब्लम्स एक साथ में हो जाएंगी कोविड नाइन्टीन से मुंबई अपने आप से ही पहले से क्या कर रहा है परेशान हो रहा है एंड चांसेस ये भी मुझे सुनने में मिल रहे हैं न्यूज में कि दोबारा से लॉकडाउन लग सकता है शिवराज ठाकरे का या आपका राज ठाकरे का ये सोचना है आगे बढ़ लेते हैं बाढ़ चेतावनी प्रणाली का औपचारिक रूप से शुभारंभ 12 जून 2020 को माननीय श्री उद्धव ठाकरे ठाकरे एंड राज मैंने गलत बोला था सॉरी उदवे मुख्यमंत्री सरकार और डॉक्टर हर्षवर्धन माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विज्ञान और प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा आई फ्लोज मुंबई एक मॉड्यूलर संरचना पर बनाया गया है और इसमें डेटा एसिमुलेशन फ्लड इंड्यूशन रिस्क मॉड्यूल और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जैसे सात मॉड्यूल हैं सिस्टम में मध्यम श्रेणी के मौसम पूर्वानुमान के लिए राष्ट्रीय केंद्र एन सी एम आर एफ भारत मौसम विज्ञान केंद्र आई एम डी से मौसम मॉड्यूल भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ग्रेटर मुंबई नगर निगम और भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा स्था, स्थापित Uh, वर्षा गेज के नेटवर्क स्टेशनों से डेटा भूमि उपयोग पर थीमेटिक लेयर ग्रेटर मुंबई नगर निगम द्वारा बुनियादी ढांचे आदि प्रदान किए गए हैं देन चूंकि मुंबई एक द्वीप का शहर है एंड इसकी कनेक्टिविटी समुद्र के साथ में है इसलिए शहर पर ज्वार और तूफान के प्रभाव की गणना करने के लिए हाइड्रो मॉडल और तूफान वृद्धि मॉडल का भी उपयोग किया जाता है भूमि स्थलाकृति भूमि उपयोग बुनियादी ढांचा जनसंख्या आदि ग्रेटर मुंबई नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए थे और भौगोलिक सूचना प्रणाली में थीमेटिक उपयोग करके वार्ड इस स्तर पर बाढ़ के स्तर पर सटीक अनुमान लगाने के लिए इतने डिसीजन सॉफ्ट सपोर्ट सिस्टम से जोड़ा गया था देन आपका अगला प्रश्न है इसमें आपसे बोल रहे हैं कि बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2020 का विषय प्रोटेक्ट चिल्ड्रन नाउ अगेंस्ट कोविड 19 मोर देन एवर है इस दिन की शुरुआत 2003 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा की गई थी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है पहला सही है या दूसरा सही है आ, पहला दूसरा दोनों सही है या ना तो एक सही है ना तो दो सही है भाई इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है बट अगर आप सेकंड स्टेटमेंट की बात करोगे तो ये गलत है 2003 नहीं 2002 से इसको स्टार्ट किया गया था आगे देख लेते हैं इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक वर्ष 12 जून को ठीक है आज आपकी 12 जून है प्रत्येक वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है बाल मजदूरी के खिलाफ जागरूकता फैलाने और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को इस काम से निकालकर उन्होंने उन्हें शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से इस दिवस की शुरुआत साल दो में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की ओर से की गई थी इसका मुख्य उद्देश्य बाल श्रम की वैश्विक सीमा पर ध्यान केंद्रित करना और बाल श्रम को पूरी तरह से खत्म करने के लिए आवश्यक प्रयास करना भी है देन अगर मैं आपको बात करूं कि प्रोविजंस अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के संविधान में जो बाल श्रम है उसके विरुद्ध जो प्रावधान है वो क्या है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 इनको देख लीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है दिस लॉ

पेशे और सत्तावन प्रक्रियाओं में जिन्हें बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए अहितकर माना गया है नियोजन को निषिद्ध बनाता है इन पेशों को और इन प्रक्रियाओं को कानूनी रूप से इनका क्या किया गया है उल्लेख किया गया है एंड द फैक्ट्री एक्ट नाइनटीन फोर्टी एट प्रोहबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन अंडर एटीन ईयर्स ऑफ एज सिग्निफिकेंट जुडिशियल इंटरवेंशन इन एक्शन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इन इंडिया केम फ्रॉम नाइनटीन नाइनटी सिक्स सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दैट रिक्वायर्स फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू आइडेंटिटी

काम करने वाले बच्चों को पहचाना पहचान करना उन्हें काम से हटाने और उन्हें गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करने का निर्देश दिया गया था आपको मैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर टाइम ट्वेंटी ट्वेंटी जो है उसके बारे में बता देती हूँ कि इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य या विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का जो विषय है वो है प्रोटेक्ट द चिल्ड्रेन नाउ एंड अगेन अगेंस्ट कोविड नाइन्टीन मोर देन एवर कोविड नाइन्टीन महामारी के फैलने के कारण कई देशों में लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई है इससे कई लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई है और इस वजह से कई बार बच्चों की जिंदगी भी प्रभावित हुई है ऐसी स्थिति में बहुत से बच्चों को बाल श्रम की ओर धकेला भी जा सकता है तो इसलिए हमें इसको क्या करना है और भी ज्यादा ध्यान से स्टॉप करना है खैर आपका अगला प्रश्न है इसमें आपसे बोल रहे हैं कि पियरे कुकरे पियरे नरकुनजिया का हाल ही में निधन हो गया वह निम्ल के से किस देश के राष्ट्रपति थे रवांडा के थे तंजानिया के थे बुरुंडी के थे या जिम्बाब्वे के थे देखिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग हाल ही फिलहाल में या जो बहुत ही ज़्यादा एडवांस कंट्रीज होती हैं जिनके साथ में इंडिया के अच्छे खासे लिंक्स होते हैं हम उनके जो चीफ्स हैं उनके जो प्रेसिडेंट हैं उनके नाम याद करते हैं बट अगेन बुरुंडो के बुरुंडी के राष्ट्रपति हैं बुरुंडी एक आपका अफ्रीकी देश है एंड यहाँ के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम पियरे नरकू नजिया है इनको भी देख लेंगे आई थिंक आप लोगों को समझ में आएगा कि बुरुंडी गणराज्य के राष्ट्रपति पियरे नरकू नजिया का वर्ष की उम्र में पूर्वी बुरुंडी के कारूजी में हृदय गति रुकने के कारण निधन हो गया उनका जन्म 18 दिसंबर 1964 का न्योगजी प्रांत में हुआ था वह बुरुंडी विश्वविद्यालय में एक खेल स्नातक और सहायक व्याख्याता थे और गृह युद्ध के बाद से वे दो में रक्षा रक्षा की रक्षा की रक्षा के लिए सेना में नेता बने थे पीरे 2003 में आंतरिक मंत्री बने और तक सत्ता पर कब्जा किया उन्होंने अपने प्रयासों के लिए भी जीते थे देन, तीसरे कार्यकाल के लिए उन्होंने या उनकी असंवैधानिक घोषणा राष्ट्रीय अराजकता की ओर से ली गई थी उन्होंने घोषणा की कि वह इस वर्ष अगस्त में पद छोड़ देंगे और उन्हें सेवानिवृत्ति वेतन में पांच लाख चालीस हजार

न्यायबिंदा नेशनल असेंबली के अध्यक्ष हैं ये इनकी जो कैपिटल है वो गीतिका है एंड राजनीतिक पूंजी बुजुम्बुरा या आर्थिक राजधानी है इकोनॉमिक राजधानी यहाँ की भुजुम्बुरा है मुद्रा जो है यहाँ पे बुरुंडियन फ्रैंक है आप इसको याद कर सकते हैं नेक्स्ट ये है आपके पीरियड आपका अगला प्रश्न है इसमें आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से फरीदकोट के अंतिम महाराजा कौन थे सरबजीत सिंह थे हरिंदर सिंह बराड़ थे हरमोहन सिंह बाजवा थे या कुलदीप सिंह थे सो भाई ये आपके हरिंदर सिंह बराड़ थे अब देखिए यहाँ पे क्या है पंजाब और हरियाणा उच्च ये पॉलिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन इसको समझ लीजिएगा कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फरीदकोट के अंतिम महाराजा हरिंदर सिंह बराड़ के परिवार में महिलाओं के संपत्ति के अधिकार को बरकरार रखने वाले तीन दशक पुराने एक मामले में फैसला सुनाया है जिसकी नाइनटीन में मृत्यु हो गई थी हरिंदर सिंह बराड़ अपने पीछे अरबों रुपए की संपत्ति छोड़कर गए हैं जिनमें दिल्ली के कॉपर निकस मार्ग पर स्थित फरीद कोर्ट हाउस भी शामिल है हाई कोर्ट ने उनके वंशजों के पक्ष में फैसला सुनाया और उसके बीच संपत्ति का बंटवारा करते हुए करीब तीस वर्षों से अधिक समय से चल रहे इस विवाद का निपटारा कर दिया है 20000 करोड़ की संपत्ति को लेकर के हाई कोर्ट की ओर से आए फैसले में प्रॉपर्टी की हिस्सेदारी कर दी गई है दोनों बेटियों को सैंतीस करोड़ या सैंतीस फीसदी हिस्सा और राजा के भाई कवर मंजीत इंदर सिंह के परिवार को पच्चीस फीसदी हिस्सा देने का फैसला सुनाया गया है फरीदकोट के बारे में बता देती हूँ ये भारत के पंजाब राज्य में एक शाही और ऐतिहासिक शहर है फरीदकोट जिले का मुख्यालय है नॉर्मली देन शहर का नाम तेरवी शताब्दी के एक सूफी संत बाबा फरीद के सम्मान में रखा गया है आजादी से पहले फरीदकोट जिले का एक बड़ा हिस्सा फरीदकोट के महाराजा के शासन में था और बाद में यह 1948 में पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य यानी कि पेप्सू का हिस्सा बन गया था यह है आपके हरिंदर सिंह बरार द लास्ट महाराजा ऑफ फरीदकोट नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है इसमें आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने कैकर रेलरी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है IIT बॉम्बे ने अमेरिका की मैचा मैसाच्यूसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने ब्रिटेन की आपकी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने या अमेरिका की कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में तो सी इसका जो आंसर है वो है आपका बी मैसाच्यूसेट जो इंस्टीट्यूट है उसने आपका शीर्ष स्थान प्राप्त किया है आंसर आपका बी है मैं फिर से आपको बना दे रही हूँ देन इसमें आप देख लीजिए कि दुनिया में अग्रणी संस्थानों की रैंकिंग जारी करने वाली एजेंसी क्यू एस ने दो हजार इक्कीस की रैंकिंग जारी कर दी है इसमें दुनिया के टॉप फाइव हंड्रेड में भारत के सिर्फ आठ स्थानों को जगह मिली है भारत का प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान आई आई टी बॉम्बे भारतीय संस्थानों की लिस्ट में टॉप पर है लेकिन इस बार वह 20 पायदान नीचे खिसक गया है क्यूएस रैंकिंग 2020 में जहां उसकी रैंक एक थी वही इस बार यह इसकी रैंक एक सौ पहुंच गई है रैंकिंग के मुताबिक टॉप टॉप वन थाउजेंड इंस्टीट्यूशन में से कुल इक्कीस भारतीय इंस्टीट्यूट शामिल है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का इस साल एक स्थान है आई दिल्ली वन 19, नाइनटीन में एक सौ तिरानवे आई मद्रास दो सौ पिछहत्तर वे आई आई टी खड़गपुर तीन सौ चौदह आई आई टी कानपुर तीन सौ पचास आई आई टी रुड़की तीन सौ तिरासी वे व आई आई टी गुवाहाटी फोर हंड्रेड एंड सेवेंटी वे, वे, वे प्लेस पे है देन अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने लगातार नवे साल पहला स्थान हासिल किया है जबकि स्टैनफर्ड दूसरे हार्वर्ड तीसरे और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी को चौथा स्थान यहाँ पे मिला है ये सभी अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ हैं पांचवा स्थान यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ है कंपाइलर्स ने कहा कि शोध के मामले में भारतीय उच्च शैक्षणिक संस्थान अच्छा प्रदर्शन करते हैं लेकिन यहाँ के विश्वविद्यालय एकेडमिक अध्यापन क्षमता वैश्वीकरण के स्तर पर मोर्चे पर प्रतिबंधी वैश्विक संस्थानों से पिछड़ जाते हैं क्यूएस रैंकिंग यह छह बातों को ध्यान में रखकर के दी जाती है नंबर वन अकेडमिक प्रतिष्ठा नियोक्ता प्रतिष्ठा फैकल्टी छात्र अनुपात फैकल्टी का स्तर इंटरनेशनल फैकल्टी अनुपात इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का अनुपात देन आपको मैं क्यूएस यूनिवर्सिटी के बारे में बता दूं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग कैकर लेर ले, द्वारा विश्वविद्यालय रैंकिंग का एक वार्षिक प्रकाशन है प्रकाशक इसके कैकलेरली साइमंड्स लिमिटेड है इनका पहला अंक 2004 में जारी हुआ था शेडी उच्च शिक्षा है इन संपादक बेन सॉटर है देन आपका अगला प्रश्न है इसमें आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस किसे ऑस्ट्रेलिया आदेश पदक से सम्मानित किया गया है कौशिकी चक्रवर्ती को अनुष्का शंकर को सृष्टि बियानी को या शोभा शेखर को शोभा शेखर को ऑस्ट्रेलियाई आदेश पदक से क्या किया गया है सम्मानित किया गया है देखिएगा भाई ऑस्ट्रेलिया में एक संगीत संगठन कलाकृति के संस्थापक भारतीय संगीतकार शोभा शेखर को भारतीय संगीत और नृत्य में उनकी सेवा के लिए रानी के जन्मदिन दो में ऑस्ट्रेलिया का आदेश पदक प्राप्त हुआ है शोभा शेखर एक प्रबंध स्नातक और मोन्ट्रियाल में स्थित एक कलाकार है वह मेलबर्न विश्वविद्यालय में व्याख्याता के रूप में काम करती हैं वह या उन्हें डीके पी डी जयर जयरामन और केवी नारायण स्वामी द्वारा प्रशिक्षित किया गया था उन्होंने 1994 में द म्यूजिक एकेडमी चेन्नई से संबद्ध कालकृति की शुरुआत की और कर्नाटक संगीत के कई कलाकारों को भी उन्होंने प्रशिक्षित किया है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर में कई संगीत कार्यक्रम भी आयोजित किए थे उन्होंने कई चैरिटी पहल में योगदान दिया था और विक्टोरिया झाड़ी में आग के पीड़ितों के लिए धन जुटाने के लिए संगीत और नृत्य कार्यकर्ताओं का आयोजन भी किया था कार्यक्रमों का आयोजन भी किया था इस मेडल के बारे में बता देती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया आदेश पदक उसके समुदाय या ऑस्ट्रेलिया में वैश्विक या घरेलू स्तर पर योगदान करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है प्राप्तकर्ताओं को नामांकित किया जाता है और मान्यता के योग्य स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन भी किया जाता है ये है शोभा शेखर आप इनको देख सकते हैं नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है इसमें आपसे बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया है अली मोहम्मद बागरे को सिद्धार्थ शंकर को अमरेंद्र दहिया को या जावेद इकबाल वानी को सी ये जो है वो है जावेद इकबाल वानी इनको क्या किया गया है आपका यहाँ पे आ, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वरिष्ठ कश्मीरी वकील जावेद इकबाल वानी को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नया न्यायाधीश नियुक्त किया है वानी ने फरवरी से दिसंबर 2019 तक अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में कार्य किया है और पथरीवाल फर्जी मुठवेर मामले में सेना का प्रतिनिधित्व भी किया वानी की नियुक्ति की सिफारिश भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता में बाईस जनवरी को सुप्रीम कोर्ट कॉलिजियम ने की थी उनकी नियुक्ति के साथ अब उच्च न्यायालय में जजों की कुल संख्या सत्रह के मुकाबले बढ़कर के तेरह हो जाएगी करीब सात साल के अंतराल के बाद कश्मीर के किसी वकील को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है यह 2013 के बाद पहला मौका है जब किसी कश्मीरी को बार कोटे से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है अंतिम बार ऐसी नियुक्ति साल 2013 में की गई थी जब जस्टिस अली मोहम्मद मागरे को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था सो ये है जावेद इकबाल वानी आप इनको भी देख सकते हैं आपका अगला प्रश्न है इसमें आपसे बोल रहे हैं कि हाल ही में रशिया के एलेक्जेंडर सुस्तोव को डोपिंग के मामले में चार साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है वैनिम कित में से किस खेल से संबंधित हैं एथलेटिक हैं ऊंची कूद के हैं हल्का वजन मुक्केबाजी के हैं या भारोत्तोलक हैं तो ही इज एथलीट ठीक है एथलेट, वो एथलेटिक है देन आगे बढ़ लेते हैं देख लेते हैं कि यूरोप के पूर्व ओके सॉरी मैंने शायद गलत बोला है आपका एक मिनट रुकीयेगा ऊंची कूद से संबंधित है ऊंची कूद करेंगे हाई जंप से संबंधित करेंगे इनको बी सो so, यूरोप के पूर्व ऊंची गोद चैंपियन अलेक्जेंडर सुस्तोव पर डोपिंग के आरोप में चार साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है खेल पंचाट ने इसकी जानकारी दी पंचाट ने ई पर भेजे बयान में कहा कि उसे प्रतिबंधित पदार्थ के इस्तेमाल या इस्तेमाल की कोशिश का आरोपी पाया गया है शुस्तोव ने 2010 यूरोपीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक भी जीता था सुस्तोव का प्रतिबंध पांच जून से लागू होगा और 2013 से 2017 के बीच के उनके सारे नतीजे रद्द माने जाएंगे यानी यूरोपीय खिताब उनके पास रहेगा लेकिन 2013 में मॉस्को में हुई विश्व चैंपियनशिप में मिला सातवां स्थान उनको उनसे छीन लिया जाएगा विश्व एथलेटिक्स रिकॉर्ड के अनुसार पैंतीस वर्षीय सुस्तोव ने दो से प्रतिस्पर्धा नहीं की है देन ये हैं आपके अलेक्जेंडर सुस्तोव आपका अगला प्रश्न है इसमें आपसे बोल रहे हैं कि न्यूनतम यानी कि आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर गेहूं खरीद में कौन सा राज्य देश में शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है पंजाब पश्चिम बंगाल मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश भाई ये आपका मध्य प्रदेश है इसको आप याद करेंगे ठीक है आपसे बोल रहे हैं कि एम यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक दशमलव दो सात करोड़ मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद कर मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन में मध्य प्रदेश देश के प्रथम स्थान पर पहुंच गया है मध्य प्रदेश में अभी तक करीबन एक करोड़ सत्तासी सत्ताईस लाख सड़सठ हजार छह सौ अट्ठाइस मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया है देन एंड यानी कि प्रोड्यूस किया गया है प्रोक्योर्ड किया गया है देश के सभी राज्यों द्वारा कुल गेहूं खरीद का 33 प्रतिशत मध्य प्रदेश में ही किया गया है पंजाब दूसरे स्थान पर है एंड पूरे देश में करीबन तीन करोड़ छियासी लाख चौवन हजार मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया है गत वर्ष की तुलना में मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन में चौसठ प्रतिशत की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष मध्य प्रदेश में तिहत्तर दशमलव छ न छः नौ लाख गेहूं का उपार्जन समर्थन मूल्य पर किया गया था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं उपार्जन के प्रतिबंध को या प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी मुख्यमंत्री ने 23 मार्च से लगातार पिछहत्तर बैठकें कर गेहूं उपार्जन की प्रतिदिन समीक्षा की है मध्य प्रदेश के बारे में बता देती हूँ यहाँ की राजधानी भोपाल है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है राज्यपाल लालजी टंडन है राज्य की ये पक्षी दूध राज पक्षी सुल्ताना बुलबुल बुल है एंड राज्य पुष्प जो है वो आपका बारा सिंगा है लोक नृत्य आपके जवारा मट मटकी अदा फूलपति गिरदा डांस एंड सेलार सेल की सोला भदोनी एंड मांछ है आज का आपका अंतिम प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसको आपको याद करना ही करना है कि गुजरात के गिर में भारत ने एशियाई शेयरों की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है पैंतीस प्रतिशत उनतीस प्रतिशत पंद्रह प्रतिशत या चौवालीस प्रतिशत तो भाई उनतीस प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करी गई है आपके गुजरात के एशियाई शेरों में सो so, एशियाटिक लॉन्स में देख लीजिए पूनम अवलोकन सर्वेक्षण के अनुसार गुजरात के गिर अभ्यारण्य में एशियाई शेर की आबादी में 2015 में 27 से लगभग 29 प्रतिशत अट्ठाईस दशमलव आठ सात प्रतिशत की सराहनीय वृद्धि देखी गई है अर्थात उनकी जनसंख्या 2015 में 523 से 2020 में छह हो गई है साथ ही शेरों का विस्तार क्षेत्र में साल 2015 के 22,000 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर साल 2020 में 30,000 वर्ग किलोमीटर हो गया है यानी किलोमीटर स्क्वायर हो गया है और इस प्रकार शेरों के भौगोलिक विस्तार क्षेत्र में 36 प्रतिशत की वृद्धि भी दर्ज की गई है कोविड 19 महामारी के कारण गुजरात के गिर जंगल में जनगणना के बजाय शेर की आपादी, आबादी की गिनती के लिए यह एक वैकल्पिक दृष्टिकोण था आपको मैं पूनम अवलोकन के बारे में बता देती हूँ पूनम अवलोकन कार्यक्रम मासिक रूप से किया जाने वाला एक अवलोकन है और प्रत्येक पूर्णिमा के दौरान सभी अधिकारी और फील्ड स्टाफ के सदस्य अपने अपने क्षेत्राधिकार के भीतर विभिन्न क्षेत्रों में 24 घंटे के लिए शेरों की संख्या का आंकलन करते हैं 2020 के आंकड़ों की कवायद में दस जिले शामिल हैं जहाँ तेरह वन प्रभागों में शेरों को वर्षों से देखा जा रहा है जो कि शेर की जनगणना का एक हिस्सा है देन जिले के या गिर के जंगल में लगभग नौ जिलों में कवर करते हुए एशियाई शेर सौराष्ट्र के संरक्षित क्षेत्रों और कृषि देहाती क्षेत्रों में में पाए जाते हैं गिर के बारे बता देती हूँ कि यह भारत के पश्चिमी क्षेत्र में सबसे बड़ा कॉम्पैक्ट शुष्क पर्णपाती वन है इसे 1965 में एक अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था यह दुनिया में एकमात्र स्थान है जहां एशियाई शेर एक लुप्त प्राय जानवरों की प्रजाति की मेजबानी करता है यह अपने समृद्ध वन वनस्पतियों वनस्पतियों और जीवों में विदेशी पक्षियों और जानवरों की कई प्रजातियों को भी पालता है इसमें लगभग ग्यारह एक सौ एक हजार एक सौ तिरपन दशमलव चार दो वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है जिसमें से दो सौ अट्ठावन दशमलव सात तीन वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है सो so, ये आपका आज का अंतिम प्रश्न था एंड आई होप कि ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं आपको समझ में आएंगे सो so, अभी के लिए इतना ही रखते हैं फिर मिलते हैं आपसे तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय